प्रदेश की जनता को था। बात कर रहे हैं तारीखों के ऐलान की। कुछ ही देर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कुल 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव है और उनकी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। 12 बजे का समय इसमें तय किया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चीज साफ कर दी जाएगी। और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, वैसे ही आचार संहिता भी लागू हो जानी है। कुछ ही देर में चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा होनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में चुनाव होने, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने, राजस्थान भी यहां पर भी चुनाव होने हैं, तेलंगाना में भी चुनाव, और कुल 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव होने विधानसभा के। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने इसके पहले तमाम तरीके की जो बैठकें हैं, चुनावी पर्यवेक्षक हैं उनकी बैठक कर ली, तैयारियों का जायजा ले लिया, हर चीज मुकम्मल कर ली और उसके बाद अब आज जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त जो है वो 12 बजे का तय किया गया है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की सीटों की अगर बात की जाए, 230 विधानसभा सीटें, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में है और ऐसे में अब ये देखना होगा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान क्या होता है। लेकिन ये जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ही तेलंगाना में केवल एक चरण में ही चुनाव कराने की तैयारी है। और ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश का भी हालांकि कुछ हिस्सा नक्सल प्रभावित है लेकिन वहां पर नक्सल गतिविधियों पर लगाम लगी हुई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में केवल एक चरण में चुनाव होंगे और यह भी माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं जिसमें नक्सल प्रभावित एक क्षेत्र हो सकता है और दूसरा सामान्य क्षेत्र जो है वहां पर चुनाव हो सकते हैं। हालांकि ये केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं। जो तारीखें हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से घोषित की जाएंगी। कुछ ही देर में चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। अब देखना ही होगा कि कितने चरणों में चुनाव होते हैं, लेकिन कुछ ही देर में चुनाव आयोग घोषणा करने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज 18 पर मेगा कवरेज, और न्यूज 18 पल पल की जानकारी आपको देगा कि कब नॉमिनेशन करना है, कब विड्रॉल की तारीख है। पूरी एक एक सटीक जानकारी आपको केवल और केवल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मिलने वाली है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही देर में चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया जाएगा। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त रखा गया है और ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है, केवल 1 मिनट का वक्त बचा है। और ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव आयोग ने क्या तैयारी कर रखी है। वैसे आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा बलों से पूरा सामंजस्य चुनाव आयोग की तरफ से रहता है। और एक बहुत बड़ा ये चुनाव जो है ये हिंदुस्तान में इसे पर्व के रूप में हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र का पर्व इसे मानते हैं। और इस पर्व के लिए जो है बृहद रूप से बड़े स्तर पर बहुत तैयारियां चुनाव आयोग को करनी होती हैं। काफी तैयारियां जो हैं वो पहले से चल रही थी। राजनीतिक दल जो हैं अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं, अपनी बैठक कर रहे हैं, अपनी तैयारियां राजनीतिक दल करने में जुटे हुए हैं, प्रत्याशियों का चयन करने से लेकर मैदानी जमावट जो है